नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों अगर सोचिए कि बॉलीवुड के कलाकार अगर प्रकृति के बीच में जाते, जिस प्रकार मैं इस वक्त आम के पेड़ के नीचे इस चबूतरे पर बैठा हुआ हूं और शुद्ध प्राकृतिक हवा का आनंद ले रहा हूं, प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहा हूं, सोचिए अगर वो कलाकार होते तो क्या किस प्रकार से वर्णन करते हैं। अगर राजकुमार जी आते तो वो क्या कहते। जानी ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, और कभी आप प्रकृति के इस बीच में और प्रकृति का आनंद लो, क्योंकि जानी और ये प्रकृति हमें शुद्ध हवा देती है और हमें स्वस्थ जीवन देती है, और प्रकृति का आनंद आप जरूर लेने जाएं। और दोस्तों अगर सोचिए इनके बाद अगर सनी देओल आते तो वो क्या कहते। ओए अगर आप लोग प्रकृति का आनंद नहीं ले रहे हैं, शहरों में लोग जाते हैं, एक बिल्डिंग पे रहते हैं और बिल्डिंग के अंदर ही खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अरे कभी प्रकृति के बीच में जाओ कभी गांव और उधर देखो कितना शुद्ध वातावरण होता है। आपको चारों ओर हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे और मवेशी दिखाई देते हैं। वहां का प्रकृति इतनी खूबसूरत होती है, जो भी एक बार जाता है उसका मन लग जाता है। और सोचिए अगर उसके बाद सुनील शेट्टी आते तो क्या कहते। आप हमें भूल जाइए हो नहीं सकता, और मैं आपको भुला दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और मैं प्रकृति को कभी नहीं भुला सकता, वो हमारी मातृभूमि है, मात्र जीवन है, और मैं प्रकृति के बीच में अवश्य जाऊंगा और अपने बेबी बच्चों को भी लेके जाऊंगा। बाबू भैया अगर आपको भी चलना है तो आप तुरंत चलो और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। और उतने में जब सुनील शेट्टी ये बात कह रहे होते हैं तो अजय देवगन सुन रहे होते हैं और वो क्या कहते हैं। सुनील शेट्टी अबे तू अपने लूटे गैरों में कहा डपटा, अबे तू अपने लूटे गैरों में कहा डपटा, लेकिन मैं भी प्रकृति में जाऊंगा, क्योंकि जब मैं गया था तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं प्रकृति के बीच में ही पला बढ़ा हूँ, और मेरे पिताजी हमेशा मुझे गाँव की ओर ले जाया करते थे, और मुझे वो गाँव की सीन आज भी बहुत पसंद है। उस गाँव की याद आती है जिस गाँव में मैंने अपना बचपन खोया है, और अब मैं भले शहरों में रहता हूँ लेकिन एक बार अवश्य जाऊंगा जहाँ मैंने बचपन में खेला था। और उसके बाद अगर सोचिए धर्मपाजी आते और धर्मपाजी क्या कहते अजय देवगन की बातों को सुनकर। रामजादे तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरा ही बचपन गांव में बीता है? अगर मैं ये आप मेरा शरीर अभी तक देख पा रहे हो, मैं अगर जीवित हूं तो इस वजह से, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच में रहता हूँ। अरे आओ कभी मेरे फार्म हाउस, वहां मैं दिखाता हूँ कि मैं प्रकृति के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे मन को भी शांति मिलती है और मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर उसके बाद सलमान खान आते तो वो क्या कहते। अरे कमाल करते हो यार, तुम लोग प्रकृति का बयान करते हो, अरे तुम लोग तो सिर्फ बोलते हो यार। मैं तो प्रकृति में जाकर अपनी पिक्चरें बनाता हूँ और वहां शूट करता हूँ। तुम लोगों ने तो साक्षात देखा है कि मेरे पिक्चरों पे नेचुरल सीन ज्यादा रहते हैं। मैं कभी मनाली जाता हूँ तो कभी मैं गोवा जाता हूँ तो मैं कभी गांवों की ओर भी जाता हूँ, और तुम लोगों ने तो दंगल देखी ही होगी, और बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जिनमें मैं प्रकृति के बीच में प्रकृति का आनंद लिया हूँ। खबरदार जो तुम लोगों ने प्रकृति को कुछ कहा। और इतना कहते ही वहां से गुजर रहे होते हैं नाना पाटेकर, वो क्या कहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने ये प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया ना वो बहुत हानिकारक होगा, लेकिन मैं एक बात तुम लोगों को बोल देता हूँ कि प्रकृति ही हमारे जीवन की उत्तरदायी है। अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, तुम्हारी ये गुंडागर्दी यहीं रखी की रखी रह जाएगी, लेकिन प्रकृति से हमेशा प्रेम करना अच्छा है। अच्छा है दोस्तों, इस प्रकार का माजरा चलता रहता है और बहुत मजा आता है। और अभी भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर हैं जिनकी आवाज हम लगातार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी 15 दिनों से मुझे जुकाम था, मैंने एक प्रैक्टिस का वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो, अगला पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अभी भी मैंने बहुत सारे मिमिक्री वीडियोज अपने इस चैनल में डाले हैं, सब कुछ मिलेगा जनाब में, आप जरूर जाइए अवश्य देखिए और उन वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट में बताइए कि किसकी आवाज सबसे अच्छी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।